हम NaOH के बारे में जान रहे हैं, और NaOH को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। NaOH कास्टिक सोडा काफी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, लैब के अंदर हमें काफी यूज होता है, इंडस्ट्री में। तो इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम बहुत हाई लेवल पे बनाना चाहते हैं, मतलब हाई लेवल का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। तो कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्रियल मेथड, फिर उसका प्योरिफिकेशन, वो इस चार्ट में आपको नजर आएगा। ये मेरे लिए NaOH, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा अपने आप में एल्कली नेचर रहता है, थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, चिकनाई को हटाने में यूज हो सकता है। और दूसरा, इसका मेन यूज तो खैर इंडस्ट्री में है, बहुत सारे एलोए को सेपरेट करने में काम आता है, लेकिन अभी हम वो ना पढ़ के अभी पहले ये देखना चाहते हैं कि बनता कैसे है NaOH। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले हैं वो तीन ये प्रोसेस है, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले गॉसेस प्रोसेस, इसने क्या किया, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज किया, और NaOH यूज हो रहा है, बन रहा है NaOH, बन रहा है NaOH, बन रहा है। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी अलग हो गया, ठीक है, हो जाने दो। ये है गॉसेस प्रोसेस जिससे आप NaOH बना सकते हो, लेकिन इसमें CoH2 यूज होगा। मैं इसको इंडस्ट्रियल यूज नहीं करूंगा, नहीं कर रहा मैं। इंडस्ट्रियल यूज प्रोसेस का मतलब होता है बिग क्वांटिटी में बनाना, बल्क में बनाना। तो बल्क में बनाना नहीं पसंद करूंगा, लेबोरेटरी में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बल्क में बनाने के लिए मेरे लिए प्रोसेस सही नहीं रहा। ये भी बना सकता है लॉविंग, लॉविंग्स प्रोसेस। लॉविंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट को Fe2O3 के साथ ले गए, पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, Fe2O3 के साथ। तो हमसे ये पूछा जा सकता है बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, वो होगा NaFeO2। क्या होगा, NaFeO2। फिर उसका हाइड्रोलिसिस हुआ वाटर के साथ, अपने आप ही आपको क्या बन जाएगा, NaOH मिल जाएगा आपको, बाकी कंपाउंड अलग हो जाएंगे, साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ से भी आप बना सकते हो, लेकिन ये भी लेबोरेटरी प्रोसेस बन के रह गया। इंडस्ट्री में मैं एक नया प्रोसेस चाह रहा था, मैंने समुद्र से NaCl निकाला, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में, 10 रुपये किलो में मिल जाता है बाजार में, और इंडस्ट्री वालों को तो ये और सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो NaCl मिल गया, NaCl की जब हाई कंसंट्रेशन रहती है पानी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। क्या बोलते हैं, BrineNe, स्ट्रॉन्ग ब्राइन। का ब्राइन का मतलब है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है NaCl। एक तरह से ये जो समुद्र है, सी वाटर, उसी के पास इसकी फैक्ट्री डाल लो, सी वाटर मिल ही जाएगा, ब्राइन वाटर हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा NaCl हो, उसको इतना कर लो, सस्ता पड़ जाएगा, आप ही की फैक्ट्री है सब कुछ। तो समुद्र से जो पानी मिला उसमें NaCl है, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, आपको NaOH मिल जाएगा। Na पे प्लस चार्ज है, ये एनोड की तरफ भागेगा या कैथोड, कैथोड, और Cl पे माइनस चार्ज है, माइनस कहाँ जाएगा, एनोड। तो यहाँ पर आपको Cl2 गैस भी मिल जाएगी बाय प्रोडक्ट में, अच्छा है, यूज करो, और उसका यूज कर लो आप ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में, वो बाद की बात हो गई। और NaOH आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा, उस क्रिस्टल फॉर्म में आप उस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल लेना पड़ेगा, करंट भेजनी पड़ेगी। तो तीन अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह से इस सेल का निर्माण किया, प्रोसेस किया। किसी ने एनोड ग्रेफाइट का बनाया, किसी ने एनोड क्या कहते हैं मरकरी का बनाया, किसी ने मेम्ब्रेन्स भी यूज करी। तो उनका ये कहना है हर एक का कि हमारा सेल अच्छा है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कब कौन सी कंसंट्रेशन में कौन सा सेल ज्यादा अच्छा होगा, किसमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, किसमें कम चाहिए। तो ये सब तीनों ही बहुत अच्छे हैं। कैस्टनर कैलनर सेल, इसने क्या किया, अलग अलग ब्लॉक बना के NaCl के अलग अलग कंटेनर में एक साथ करंट भेज रहा है, एक सिंगल सेल ना होके मल्टीपल सीरीज ऑफ सेल था। इसने मरकरी का यूज किया, तो इसमें जो आपको मिल रहा है वो सोडियम मैग्नीशियम सोडियम अमलगम यानी Hg का मिक्सचर मिल रहा होता है, चलने दो। डायफ्राम सेल, ये एक अलग है, इसने क्या करा, डायफ्राम ने कार्बन ग्रेफाइट का यूज किया है। फिर आता है नेफियन मेम्ब्रेन्स, इसने कहा कि मैं नेफियन मेम्ब्रेन्स इसलिए यूज कर रहा हूँ कि NaCl की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ रही है जितनी मेरे में आएगी, मैं मेम्ब्रेन्स का यूज करता हूँ। तो ये सब अलग अलग हैं सेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाएंगे क्या, वही NaOH प्लस CL।
Cl2, ठीक है। तो सेल की वोल्टेज सप्लाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है सब में, NaOH। तो ये इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस हो गया। इन सब में इम्प्योरिटी भी आएगी, क्यों? क्योंकि आप ब्राइन वाटर यूज कर रहे हो, ब्राइन वाटर में कुछ आपको दूसरे सॉल्ट भी रहेंगे, आपको सोडियम कार्बोनेट भी मिलेगा, सोडियम जो भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट देखने को मिलेंगे बाय प्रोडक्ट। अब आप चाहते हो उसका प्योर NaOH मिल जाए मुझे, तो हमें प्योरिफिकेशन करना होगा। तो प्योरिफिकेशन अलग प्रोसेस है, पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब क्या पढ़ रहे हो आप, प्योरिफिकेशन। NaOH विद इम्प्योरिटी है। अब उस इम्प्योरिटी को डिजोल्व करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एल्कोहल डाल दिया। NaOH एल्कोहल में डिजोल्व होता है, जबकि अदर सॉल्ट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट देख लो, सोडियम सल्फेट देख लो, ये पानी में डिजोल्व होते हैं लेकिन एल्कोहल में डिजोल्व नहीं होते। तो जब वो एल्कोहल में डिजोल्व नहीं होंगे तो ये क्या करेगा, प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिजोल्व नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा एल्कोहल डालना पड़ेगा तब जाके डिजोल्व होगा। सॉल्युबिलिटी इसकी एल्कोहल में उतनी नहीं होती जितनी पानी में होती है, पानी में तो बहुत ज़्यादा होती है, एल्कोहल में कम होती है, लेकिन दूसरे सॉल्ट की तो जीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है, जीरो का मतलब टेंस टू जीरो। तो जब दूसरे सॉल्ट की टेंस टू जीरो हो जाती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं एक्वास NaOH, यहां क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक NaOH। अब उसका हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कर देंगे। एल्कोहल ज्यादा आसानी से वॉलेट वेपर बनाता है, वेपर बन के ऊपर निकल जाएगा, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी तो है नहीं, तो ये कैसा रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, व्हाइट कलर का होगा, बिल्कुल व्हाइट। दूसरा, डेंसिटी आपकी आएगी 2.13 ग्राम, यानी पानी से ज़्यादा ही होती है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मेल्टिंग पॉइंट आएगा इसका 318.4। नेक्स्ट, कोरोसिव इन नेचर, यानी इसका ऑक्साइड नहीं बनता, थोड़ा सा कोरोसिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर बताओ, सही कह रहे हो, कोरोसिव का मतलब एयर के साथ नहीं है, मेटल को खाने से मतलब है। जैसे अपन नहीं बोले कि मेटल को खाना का मतलब मेटल को कम कर देना मेटल की, तो प्योर मेटल, कई बहुत सारे मेटल होते हैं जो NaOH में डिजोल्व होते हैं, तो कोरोसिव नेचर आ गया। सॉलिबिलिटी इज कंपेयर टू लेस इन एल्कोहल, एल्कोहल में सोलूबल है लेकिन कम है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। तो ये आपके पास हो गया कास्टिक सोडा यानी NaOH का पूरा चार्ट, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि प्योरिफिकेशन क्या कहेंगे या ब्राइन वाटर किसे कहते हैं। समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग ब्राइन क्यों लिखा है, इसका मतलब NaOH की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। अब इसको लिख लो चार्ट को, देखो मैं अब बात कर रहा हूँ कास्टिक सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज चार्ट, काफी रिएक्टिव कंपाउंड है इसलिए बहुत जगह यूज होता है। NaOH, अगर आप फास्फोरस के साथ डालोगे तो फास्फीन गैस बनेगी PH3, अगर सल्फर के साथ डालोगे तो Na2S2O3, जो कि एक हाइपो है, हाइपो काफी यूज आने वाला सॉल्ट है, इसका यूज बहुत जगह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो फोटोग्राफी प्लेट होती है, आजकल तो देखने को मिलती नहीं है क्योंकि पहले फोटोग्राफी प्लेट अलग होती थी, उसमें सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज होता था, उस सिल्वर को कॉम्प्लेक्स को एक बार आपने फ्लैश डाल दिया, लाइट खींच दी, फोटो खींच दिया, तो जहाँ प्रकाश पड़ता था यानी लाइट गिरती थी वहां तो वो फोटो बन जाता था, बाकी जगह वो कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहता था। तो वो कॉम्प्लेक्स को ब्लैक करने के लिए, जहां वहां डार्क हो जाए उसके लिए इसको यूज करते थे, किसको, हाइपो को। तो आपका जो फोटो बनता था वो ब्लैक एंड व्हाइट बनता था, क्यों, क्योंकि जहां लाइट गई है वहां व्हाइट, और जहां पर लाइट नहीं गई है उसको वो ब्लैक कर देता था, ये Na2CO3 हाइपो। आज भी इसका यूज होता है, कहां पर यूज होता है, आजकल फोटोग्राफिक प्लेट यूज होती है एक्सरे लेने में, एक्सरे लेने में
आपका जो वो होता है ना ऑपरेटर, वो पता है क्या करता है, वो कहता है ना एक्सरे लेने के बाद 10 मिनट रुक जाओ, वो एक्सरे वाली फिल्म को निकालता है, कास्ट एनेट हाइपो में डिजोल्व करता है और सुखा देता है, फिर उसके बाद आपको देता है। अगर वो हाइपो में नहीं सुखा है तो पूरी जगह लाइट गिर जाएगी, पूरी वाइट हो जाएगी, आ रही है बात समझ में, फिर आपका एक्सरे गया खराब हो गया, तो इसलिए हाइपो वहाँ यूज होता है। ठीक है, हाइपो कई जगह मेडिसिन में भी डिजीज को दूर करने में काम आता है, स्किन डिजीज को दूर करने में, किसी के जो होते हैं ना सफेद धागे धब्बे हो जाते हैं गर्दन में, यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है या स्किन से रिलेटेड, तो ये मेडिसिन में भी यूज होता है। आप डायरेक्ट इसका सॉल्ट हाइपो बाजार में मिल जाता है केमिकल शॉप पे, आप इसका सॉल्ट को स्किन में लगा देते हो तो फंगस वगैरह दूर हो जाती है, नेक्स्ट फंगस को दूर करने में काम आता है कुल मिला के, ऐसे समझ लो। Cl2 कोल्ड डाइल्यूट के साथ करोगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइट एसिड बनेगा, क्लोराइट मत बोलो, हाइपोक्लोरस, तो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, लेकिन अगर हॉट और कंसंट्रेटेड कर लोगे तो सोडियम क्लोरेट बनेगा, यहाँ सोडियम क्या बनेगा, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, क्योंकि सॉल्ट है तो हाइपोक्लोराइट, और अस कब लगता है, जब एसिड हो, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम क्लोरेट अगर हॉट है। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आयोडीन लोगे तो बस क्लोरीन आयोडीन कर सकते हो पक्का, तो ये रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ सिमिलर होगी। लो कंसंट्रेशन पर या डाइल्यूट पे हाइपो वाला बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपो क्लोराइट, इसको क्लोरेट पक्का, ये एक तरह से डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनल यू है कि सीएल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो, तो यहाँ पर सीएल की क्या है, +1, और कुछ NaCl भी बनेगा, तो -1 भी है +1 भी है, जीरो से माइनस, तो ये दोनों रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन देखने को मिल रही है। क्या कोई और भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन देखने को मिल रही है, हाँ ये भी डिसप्रोपोर्शनल है, फास्फोरस यहाँ पर क्या है -3 और यहाँ पर क्या है देखा जाए तो 4+1, ठीक है, तो ये सब डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, डिसप्रोपोर्शनल। आप जानते हो डिसप्रोपोर्शनल की डेफिनेशन क्या है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनल, तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, फास्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में भी गया है और प्लस में भी गया है, यहां पर क्लोरीन जीरो से माइनस भी गया है +1 गया है, -1 गया है और यहां पर क्या गया है प्लस, 3 2 6, 6 में से एक गया 5, तो ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनल लिख लिया, सीओ के साथ लिखेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट, ठीक है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम जिंक टिन लेड ये सब NaOH के साथ क्या देते हैं, H2, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉट गिव H2 विद NaOH, समझ में आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया, जैसे आयरन नहीं देता, आयरन NaOH के साथ रिएक्शन ही नहीं करता तो देगा कैसे, तो बहुत सारे मेटल नहीं देते, CO2 Na2CO3 बना रहा है, HNO3 एसिड बेस रिएक्शन हो गई, क्या बनाएगा, NaNO3 सॉल्ट प्लस वाटर, PbO Na2PbO2, अगर O2 ले लोगे PbO2 ले लोगे तो एक ऑक्सीजन और पड़ जाएगी, Na2PbO3 बन जाएगा, वो तो चेंज होता जाएगा, L2O3 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज्यादा है, और CrCl3 जो कि पानी में डिजोल्व था NaOH के साथ रिएक्शन करके CrOH3 का PPT बना देगा, ग्रीन PPT, समझ में आ रहा है, ये सब कुछ हो गया। कास्टिक सोडा को अगर आप सपोज हाथ डाल देंगे उसके अंदर तो क्या होगा, कुछ सेकंड तक तो एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर ज्यादा रख लोगे तो जो हमारे प्रोटीन है वो डिकम्पोज होने लग जाते हैं, हमारा शरीर किससे बना है, प्रोटीन से तो बना है ये, तो ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, कास्टिक सोडा में हाई कंसंट्रेशन में जल्दी हो जाता है, टूटने लग जाएंगे धीरे 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 धीरे, ये एक तरह से पेस्टी टाइप बना लेता है, पूरा पेस्ट की तरह पक्का बिल्कुल पेस्ट हो जाता है, तो कास्टिक सोडा में ये काम बहुत फास्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कास्टिक नेचर है, पेस्ट बनाने का नेचर है, तो यहाँ कास्ट का मतलब पेस्ट बनाना है, आ रही है बात समझ में,
ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके। अगर कास्टिक सोडा के लिए आप कास्टिक बाकी सभी पेस्ट बनाते हैं, सबसे तेज ये बनाता है। खाने वाला सोडा जो होता है NHCO3, वो क्या है, एक तरह से बेकिंग सोडा बोलते हैं, अपन बेकिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, वो भी पेस्ट बनाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं बनाता और लो कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो खाने वाला सोडा हमें यही कहा जाता है, आप थोड़ा बहुत खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो प्रोटीन को वो भी क्या करने लगेगा, डिकम्पोज करने लगेगा। तो ये है, बेकिंग सोडा भी एल्कली नेचर का होता है, और ज्यादातर एल्कली नेचर सभी क्या करते हैं आपके स्किन करते हैं। कपड़े धोने वाला सोडा Na2CO3, वो भी यही काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब कपड़े धो रहे होते हैं बेकिंग सोडा के अंदर, हम बहुत देर तक रखते हैं तो हमारा हाथ कैसा हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाता सॉफ्ट सॉफ्ट सा, क्यों, क्योंकि हमारे अपर लेवल की जो हार्डनेस होती है वो क्या होते हैं, वो चमड़ी जो होती है, लेदर जो होता है, वो डिकम्पोज होने लग जाता है। थोड़ी देर तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा देर करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो प्रोटीन डिकम्पोज का काम करता है उसको, ये है। ठीक है, आप लिखो इन सबको, चार्ट बना लो। देखो हमें बनाना है वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3। Na2CO3 अगर आप बना रहे हो तो क्या बना सकते हो, अमोनिया का वाटर के साथ CO2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, अमोनियम बाई कार्बोनेट। और अमोनियम बाई कार्बोनेट की अगर आपने NaCl के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा आपके पास, Na2CO3। Na2CO3 आपको देखने को मिलेगा, Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड आपके पास अलग हो जाएगा, पक्का, यस और नो। तो जैसे अमोनियम बाइकार्बोनेट आपके पास है और उसकी आपने NaCl के साथ रिएक्शन कराई, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 Na2CO3, और आपके पास कौन सा देखने को मिलेगा, NH4। इस जगह देखो NH4Cl देखने को मिल रहा है, तो ये आपके पास आ रहा है। दूसरी तरफ NHCO3 को डायरेक्ट घर नाम करोगे तो भी आपके पास क्या बनेगा, Na2CO3, यस और नो। अब आ रही है बात आपके पास कि आप कैसे कैसे क्या क्या यूज कर सकते हो, ध्यान से सुनना, मैं एक और चार्ट बना रहा हूं जिसको हम देख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास है और उसकी अगर आपने NaCl के साथ रिएक्शन कराई तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, देखने वाली बात है, Na2CO3 तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, NH4Cl। इस NH4Cl, Na2CO3 भी मिल रहा है और NH4Cl भी मिल रहा है। इस NH4Cl की अगर रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना दोगे आप, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वापस क्या बना देगा, CaCl2 अलग कर देगा और अमोनिया गैस बना देगा। इस अमोनिया गैस को वापस आप यूज कर सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाने में। अमोनियम बाइकार्बोनेट की NaCl के साथ रिएक्शन करके वापस Na2CO3 बना लोगे, तो यानी रीयूज कर रहे हो आप बचा हुआ NH4Cl को भी, NH4Cl को वापस यूज करके क्या ले रहे हो आप इस प्रोसेस। तो एक तरह से ये मेरे लिए कहलाएगा सॉल्वे प्रोसेस इन दोनों रिएक्शन का। और सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस सोडियम बाइकार्बोनेट से कुछ CO2 बनती है, CO2 का CaCO3 और CaO के साथ आ जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास अगर अमोनियम क्लोराइड है और हम CaO को यूज करते हैं, चलो इसको यहाँ मत भी टिक करो, CaO से CO3 और CaO2 से CO2 और बनने वाली अमोनिया गैस को आप वापस यूज करके क्या कर सकते हो, NH4Cl बना सकते हो, और उससे भी आप Na2CO3 बना सकते हो। तो कुल मिला के हर चीज का यूज करना है आपको, आ रही है बात समझ में। इस पूरे इंडस्ट्रियल मेथड में आप इन दोनों रिएक्शनों को यूज करके एक तरह से एक प्रोसेस यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस से मेन काम क्या होता है, वैसे देखा जाए तो मेन काम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग करो और Na2CO3 बनाओ। लेकिन इंडस्ट्री में बचा हुआ अमोनियम क्लोराइड, बची हुई CO2, बचा हुआ H2O, उनको भी वापस रीयूज करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो उनको रीयूज करने के लिए प्रोसेस है, तो आपको इसमें कोई ऐसा खास फायदा नहीं हो रहा है मेंस एडवांस के लिए, ठीक है ना, बस एक प्रोसेस बनाने की कोशिश की है। सॉल्वे प्रोसेस चार्ट, सॉल्वे प्रोसेस बताने की कोशिश की है, लेकिन मेन सॉल्वे प्रोसेस का मतलब क्या है ये, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल चार्ट बनाने की कोशिश की है। देखो जो हमने पढ़ा है वॉशिंग सोडा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, सोडियम बाई कार्बो सोडियम कार्बोनेट है, उसको आप जैसे वाटर में एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या रहेगा, वाटर एब्जॉर्ब डेलिक्यूशेंट, ठीक है, Na2CO3.10H2, इसी को वाशिंग सोडा बोलेंगे। ये वाशिंग सोडा इफ्लोरेसेंस यानी कि वाटर निकालना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बचा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रेट सोडा कहलाएगा, ठीक है ना, तो मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो आप। HCl के साथ करेंगे, NaHCO3HCl NaCl बनेगा, CO2 और H2 के साथ बेकिंग पाउडर NaHCO3 बनाएगा, H2 के साथ इक्विलिब्रियम रखेगा NaOH और H2CO3। इस NaOH के साथ हमारे पास क्या होता है, वही प्रोटीन को क्या करता है, ये ब्रेक करता है, जिससे हमारी स्किन डिजीज स्किन टूटने लगती है और एक तरह से हमारे पास पेस्टी टाइप मास बनने लगता है, तो यानी ये भी कास्टिक वर्ड लगेगा इसके साथ। तो अंतर ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए लगता है कास्टिक सोडा, तो इसके लिए क्या लगेगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, और SiO2 के साथ ये वाटर ग्लास बनाता है, ठीक है ना। SiO2 क्या है, एक तरह से क्वार्ट्ज हो गया, तो क्वार्ट्ज के साथ ये क्या बनाता है, ग्लास भी बनाता है, तो अलग अलग तरह के ग्लास बनाने में भी यूज होता है। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा कुछ और सॉल्ट हैं जिनको हमें याद करना है। अब ध्यान से, सोडियम के जो पूरे सॉल्ट हैं उसमें आप बेकिंग सोडा NaHCO3 NaCl, जिसको आप कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोल सकते हो, Na2SO4.10H2 को ग्लोबर सॉल्ट, लेकिन अगर आप बिना H2 के बात कर रहे हो तो सॉल्ट कैक, यानी हाइड्रेटेड को तो ग्लोबर सॉल्ट और अनहाइड्रेटेड फॉर्म को आप बोलोगे सॉल्ट कैक। सोडियम अमोनियम बाईफॉस्फेट को आप बोलोगे माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कॉस्मिक सॉल्ट। इसके अलावा जो सॉल्ट आप पहले पढ़ चुके हो उसमें कौन सा आपने पढ़ा है याद करो, सोडियम के सॉल्ट, या इसके लिए आपने ये भी पढ़ा है Na2CO3.10H2, क्या बोलोगे इसको आप, वॉशिंग सोडा, ठीक है, और बेकिंग सोडा आप पढ़ ही चुके हो। एक और है सोडियम सॉल्ट की जगह अगर आप NaOH को बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे आप, कास्टिक सोडा, तो ये आपके पास एक तरह से कितने कंपाउंड आप बना सकते हो वो आपके पास आ गया। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है जिसके कॉमन नेम हमें याद करने हैं। हम वापस आते हैं पोटेशियम से बनने वाले सॉल्ट, हमने सोडियम वाले तो बहुत सारे पढ़ लिए, पोटेशियम से बनता है पोटेशियम ऑक्साइड K2O, पोटेशियम पर ऑक्साइड K2O2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। अगर पोटेशियम को एक्सेस ऑफ एयर में कंब्यूज करा जाए तो क्या बनेगा, KO2, और सोडियम को अगर एयर में एक्सपोज किया जाए तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, और लिथियम को करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। लेकिन K2O3 करके भी एक कंपाउंड होता है जो पोटाश कास्टिक कास्टिक पोटाश कास्टिक जिसको बोल सकते हो या उसके साथ अगर अमोनिया रखा जाए तो आपको K2O3 भी मिलने को मिलता है, इसको डायरेक्ट नहीं मिलता एयर के साथ, तो ये आपके पास होता है पोटेशियम सिक्यो ऑक्साइड्स। और ज्यादा अगर कास्टिक पोटाश को अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां जाएंगे, लेकिन अगर कास्टिक पोटाश का एक्वा सॉल्यूशन बना दिया जाए पानी में तो उसका बोलेंगे पोटाश लाई, क्या बोलेंगे, पोटाश लाई, यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH। K2CO3 को बोलेंगे पर्ल एश, क्या बोलेंगे, पर्ल एश, ठीक है। के साथ एक और कंपाउंड बनता है KF, पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड की अगर BrF3 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो KBrF4 बनता है पक्का, लेकिन अगर आप सोचो कि F2 के साथ रिएक्शन कराई जाए आगे, तो F के पास तो MTD ऑर्बिटल होता नहीं है, तो क्या ये, और पोटेशियम एक वैलेंसी से ज्यादा देगा नहीं, उसके तो प्लस है, तो यहां पर क्या KF3 करके कोई कंपाउंड बनता है, नॉट फॉर्म। लेकिन अगर के साथ KCl बनाया जाए तो Cl के पास MTD ऑर्बिटल होने की वजह से ये Cl3- बनाएगा, लेकिन लेस स्टेबल बनाएगा, लेकिन आयोडीन के साथ ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन ज्यादा आसानी से यहाँ पर I3- स्टेबल होगा। तो यहाँ पर Ke3 कौन से आयन रखता है, K+ एंड I3-, समझ में आ रहा है, तो बताइए कितने आयन में डिकम्पोज होगा अगर टूट रहा है, तो बच्चे बताते हैं 4, गलत है, ये कितने आयन बनाता है, 2,
एक के प्लस और दूसरा आई थ्री माइनस। आ रही है बात समझ में? अब से पूछा जा सकता है, बताओ इसका एक मोल लिया जाएगा तो आयन के कितने मोल होंगे, चार या दो? दो, बस ये बात ध्यान रखना। के आई थ्री में आयन के कितने मोल बनेंगे अगर के आई थ्री के एक मोल है? आंसर क्या जाएगा? दो, न कि चार। बच्चे क्या सोचता है, के प्लस और थ्री आई माइनस अलग से, वो गलत हो जाता है। के प्लस और आई थ्री इस तरह से तो चलेगा, इस तरह से तो चलेगा, लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं होता, ये इस तरह से डिकम्पोज होता है। के बी आर किस अगर आई सी एल से रिएक्शन करी जाए, तो बी आर के पास एम टी डी ऑर्बिटल है, आगे रिएक्शन हो जाएगी। बी आर एक सी एल से जुड़ जाएगा, एक आयोडीन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा पोटेशियम का चार्ट है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं है, ये भी आपने इंडायरेक्टली पढ़ लिया। और खास तौर पे बहुत अच्छा पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, अगर मैंने ये दे दिया के एफ और एफ टू की, नहीं होगी। यानी के एफ एफ टू के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एफ के पास एम टी डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन के सी एल, के आई, के बी आर ये रिएक्शन करते हैं एम टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से। के नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? लिख लें।